आई एम फ्रॉम इंडिया. इंडिया? क्या हुआ? ए भाई क्या हुआ? मैंने क्या किया? हाय आई एम फ्रॉम इंडिया. या आईमागु का यासामा या ये या, नहीं पता चल रहा है दीदी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है मेरे को. जिमी 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 ला 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हाँ नो हिंदू हिंदू जय श्री राम. चलो तो मारिया जी मजा आया? आया? अरे वाह क्या बात है. हेलो अनिल जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बाय द वे नाइस नेम है अनिल, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर. या सो कैन यू हेल्प मी टू बुक येंडेक्स? आई वांट टू गो टू वोक्जाल. वोक्जाल नूरलियन और मे बी एनी अदर नूरजोल फॉर अलमाटी ट्रेन्स, राइट? आई हैव टू बुक टिकट्स, दैट्स व्हाई. या या नो 1660 टेंगे. ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन बुक. तो जो हमारे हॉस्टल में जो मैनेज करते हैं नाइट टाइम में, वो तो कोई भाई है, ठीक है. और जो दिन में आती है, मतलब मॉर्निंग में आती है और शाम तक रहती है, वो ये मोहतरमा है, इनका नाम है अनिल. एनीवेज इनसे मैंने मदद मांगी थी बिकॉज मुझे यहाँ से येंडेक्स टैक्सी बुक करके जाना है वोक्जाल. वोक्जाल मतलब रशियन में होता है रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन बाद की ना यहाँ से अस्ताना से ट्रेन पकड़ के जाना है अलमाटी, जिसके कारण मैंने सोचा कि वोक्जाल जाता हूँ, वहां से हाथों हाथ टिकट ले लेता हूँ, जिसके कारण मैंने इनसे मदद करी है. तो 1600 टेंगे की इन्होंने मेरी येंडेक्स बुक कर दी है, जो कि 5 मिनट में बाहर आ जाएगी, फिर मैं निकल जाऊंगा. 1600 टेंगे मतलब इंडियन करेंसी में कितना होता है? 300 रुपए के करीब. वोक्जाल. अच्छा वोक्जाल, चलो. तो हमें अलमाटी के लिए ना ट्रेन टिकट्स करनी है. इस वक्त हम है अस्ताना या फिर नूर सुल्तान, दोनों नाम एक ही शहर का है. तो वहाँ के ये जो रेलवे स्टेशन है वोक्जाल, यहाँ पे भी 2 वोक्जाल है. ये नूरलिजोल वोक्जाल है, मैं नीचे नाम लिख देता हूँ. ये नया नया ओपन हुआ है अस्ताना में, जिसके कारण आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो कितना कमाल का है. आई मीन मैं खुद इम्प्रेस हो गया, सच कह रहा हूँ. एनीवेज अभी लाइन में लग जाते हैं और इंक्वायरी कर लेते परसों की ट्रेन टिकट्स फॉर अलमाटी. इंग्लिश की नियत, इंग्लिश की नियत, आई रूस की नियत. चुचू. सो टिकट टिकट वोक्जाल टिकट अलमाटी. ओके आईमागु का यासामा या ये नहीं पता चल रहा है दीदी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है मेरे को. क्यों कजाकिस्तान में लोग इंग्लिश नहीं बोलते भैया? 2102 2119 इंग्लिश की तो 15,000 के टिकट पड़ी है. टेलगो एक्सप्रेस बोल रहे, फास्ट ट्रेन बोल रहे, जिसकी मदद से मैं यहाँ से शाम को निकलूंगा और दूसरे दिन पहुंच जाऊंगा अर्ली मॉर्निंग अलमाटी, जो कि मेरे को सही ट्रेन लगी है. बिकॉज वैसे नॉर्मल ट्रेन लेता तो 22 से 24 घंटा 25 घंटा लगाती है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि 16 घंटा लगाएगी, जैसे अपनी दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, बस वही बात है. स्पसीबा अलमाटी. क्या हो गया? क्या 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 मजाक उड़ा रही है मेरा? हाँ मैं भी रशियन सीखूंगा फिर मजाक उड़ाऊंगा तुम्हारा, देखना. हाँ धन्यवाद. 15,000 की टिकट पड़ी अपने को, बाप रे, इंडियन करेंसी में 3,000 से थोड़ा सा कम, आप कह सकते हो 2800 से 2900 की. लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन ली हमने, सादी ट्रेन नहीं ली, ये बढ़िया चीज हुई. चलो मरिया दीदी कॉफी पिलाता हूँ मैं, इतना मेरा मदद किया, कम से कम 20 मिनट मदद किया है, बहुत शुक्रिया. स्पसीबा. ये 500 टेंगे लेके 2 कॉफी तो पकड़ा दिए, मतलब 80-90 रुपए की 2 कॉफी तो पकड़ा दिए, लेकिन ये कैसा, ऐसा लग रहा है धर्मशाला में आ गए कॉफी पीने. ये कैसा स्पून है और कैसा ट्रे दिया है. हालांकि व्यू ठीक है, व्यू में कोई बुराई नहीं है. जिमी 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 ला 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 मिठुन चक्रवर्ती, यू नो मिठुन चक्रवर्ती. अरे ये रहा स्टेशन का नाम नूरलिजोल. झोल है मतलब झोल तो कुछ नहीं है, नाम में झोल है, बाकी सही है. स्टेशन बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और देखो बाहर ऐसा कुछ तो है, और उस तरफ एप्पल है, सेफ है, मतलब सेफ ही है ऐसे तो हर जगह.
क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या पता। क्लाइमेट की अगर बात करूँ तो अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब रात में है ना 4 डिग्री 5 डिग्री है, और दिन में हो जाता है 10 11 12 डिग्री, है ना। हाँ, लेकिन ये जो 10 11 12 डिग्री है ना, वो भी इतना सुहावना लगेगा ना, मतलब ऐसे लगेगा 5 6 डिग्री है, सच कह रहा हूँ। कई कई पे ऐसे ही होता है, जैसे कि साउथ कोरिया सोल में भी ठंड में ऐसे लगता है कि भाई 4 5 डिग्री कम ही फील हो रहा है। ये भी कजाकिस्तान वैसा ही कुछ है। और जब ऐसे क्लाइमेट में ऐसी धूप खिलती है ना, ओए होए, तो उसका क्या ही कहना। अरे वाह, क्या लालम लाल दिख रहा है ये एप्पल। अभी आसपास में ना बहुत सारे अट्रैक्शन है, क्योंकि मैं अभी आया ना ये टैक्सी करके, तो मैंने देखा कि बहुत सारे अट्रैक्शन है, तो मैंने सोचा कि ऐसे राउंड मार के आ जाते हैं। तो ये मरिया दीदी भी बोली कि चलो मैं भी आती हूँ, और 2-3 अट्रैक्शन घुमाते हैं। ये भाई हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैडम के पास भी कार्ड नहीं है बस का, तो हम दोनों के टिकट्स। हाउ मच यू हैव चेंज? चलो मैं बाद में दे दूंगा। एक्चुअली 90 टेंगे के टिकट है। बेसिकली अस्ताना की बसेस पूरी वो है, मतलब कैश फ्री बसेस है, आपको कार्ड स्कैन करना पड़ता है। अगर कार्ड नहीं है तो ये भाई साहब वगैरह, मतलब जो भी आपको पैसेंजर से मदद ले सकते हो। ये मैडम के पास भी कार्ड नहीं था, जिसके वजह से ये भाई साहब ने स्कैन किया है, और 90 टेंगे बस की टिकट है। सही है यार, 90 टेंगे मतलब कितना हुआ, 20 रुपया भी नहीं हुआ है। 20 रुपया क्या, 15 रुपया भी नहीं हुआ। हाँ 15 रुपया तो हुआ। अरे नो नहीं, वो 100 यू पे ना, 100 टिंगे, यू 400 गिव बैक, यू टेक। तो बुलशिट, व्हाट, 20 नंबर का मैडम, 90 टिंगे 100 टिंगे ले भी नहीं रही है। अच्छा वैसे बता दूं कि 90 टिंगे दो लोगों की टिकट थी, एक की नहीं है, मतलब एक का 8 रुपया इंडियन करेंसी में आप कह सकते हो। ऐसी बसेस है और 4 स्टॉप है, जिसमें से ये दूसरा स्टॉप है या पहला स्टॉप है, और 2 स्टॉप और है, उसके बाद आ जाएगा वो सब टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ जी गाइस, तो एकदम चीपेस्ट बस एक्सपीरियंस करके, चीपेस्ट है सच कह रहा हूँ, क्योंकि जो 15 रुपया 16 रुपया मैंने बताया वो एक टिकट का नहीं था, 2 टिकट का था इनका और मेरा। 4-5 बस स्टॉप आप कह सकते हो, 15 मिनट बस का लगा, और उसमें आप पर पर्सन 8 रुपीज गिन लो इलेक्ट्रिक बस, तो यार सही रेट ही है। और हम पहुंच चुके हैं अट्रैक्शन के आसपास, कजाकिस्तान ELI करके है, फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ कजाकिस्तान, और वहाँ पे एक हजरत सुल्तान मॉस्क है, मतलब तीनों आसपास में ही है। तो भाई साहब ये हम आ गए हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, जहाँ मैं सामने देख पा रहा हूँ कि कुछ यहाँ के फेमस लोगों के स्कल्पचर्स है, पत्थर से बनाए गए, और बहुत ही शानदार है, क्योंकि विशाल भी है और एकदम बारीकी से बनाया गया है। फेस वगैरह, बच्चे वगैरह सब क्लीन दिख रहे हैं, इनफैक्ट बच्चे खेल भी रहे हैं यहाँ पे। और सामने ही है सुल्तान हजरत मॉस्क, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। और फिर इस तरफ आते हो तो बड़ा सा एक विशाल सा पिलर है, और ऊपर कुछ तो गोल्डन गोल्डन है, और इस पिलर के ठीक पीछे है कांच का पिरामिड। तो मतलब काफ़ी कुछ है देखने जैसा, लेकिन एक चीज़ मेरे को ये शौक लगी कि यार पब्लिक कोई नहीं है। ओहो, इधर फाउंटेन भी है इनफैक्ट, लेकिन पब्लिक बहुत ही कम है, ना के बराबर है। एकदम विशाल जगह है, एकदम क्लीन है, फिर भी देखो ना पब्लिक नहीं है, मतलब क्योंकि कजाकिस्तान की पॉपुलेशन ही इतनी कम है। 1.1 मिलियन तो अस्ताना का पॉपुलेशन है, 1.9 मिलियन अल्माटी का पॉपुलेशन है। अस्ताना ये कैपिटल है, अल्माटी सबसे घनी आबादी वाला शहर है, और टोटल कजाकिस्तान की पॉपुलेशन 19 मिलियन है, मतलब आप कह सकते हो 2 करोड़ से भी कम। और जबकि कजाकिस्तान क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, लेकिन पहाड़ है, लेक्स है, लगभग माउंटेन एरिया ही है पूरा कजाकिस्तान। और यहाँ का मेन रिलीजन है इस्लाम, लेकिन बता दूं कि कजाकिस्तान भी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, आई मीन पहले रशिया का ही पार्ट था। मेरे को बहुत डर लगता है बाबा, चाहे कितना भी क्यूट दिखे मेरे को फिर भी डर लगता है कुत्तों से। उछल तो ऐसे रहा था जैसे कि पहली बार लड़की देखी हो, है ना। सो जब हम मॉन्यूमेंट के पीछे की साइड थे, तब ऐसा लग रहा था कि जो पिरामिड है ना, जो मेरे आगे की साइड है, वो मॉन्यूमेंट का ही हिस्सा है, आई मीन एक ही जगह पे, लेकिन नहीं, बड़ा सा रोड क्रॉस करना पड़ा। और आपको पता ही है कि यहाँ का अस्ताना का रोड कितना लंबा चौड़ा है, बाप रे। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो ये देख लो, ये है पैलेस ऑफ पीस। ये पैलेस जैसा तो नहीं लग रहा, आई मीन पिरामिड लग रहा है, लेकिन बाहर जो बनावट है ना, वो एकदम पैलेस जैसे बनाई है। ओए होए, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे न्यारे न्यारे फुव्वारे, और वो भी हर जगह, मतलब इस तरफ भी है, उस तरफ भी है गार्डन के, और उस तरफ भी है।
जो पिरामिड वाली बिल्डिंग है उसमें आ चुके हैं, फ्लोर वन सब, मतलब यहाँ पे देखो एग्जीबिशन है, ओपेरा हॉल है, ऑट्रियम हॉल है, विंटर गार्डन है, म्यूजियम ऑफ पीस एंड रिकंसिलेशन है, मतलब सब फ्लोर्स पे अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर टिकट प्राइस की बात करूँ तो 1500 टेंगे प्राइस है, आप कह सकते हो 280 रुपीज़ पर पर्सन होता है इंडियन करेंसी में। सो भाई साहब वहाँ से टिकट लेके यहाँ से एंटर हो सकते हो आप, हालांकि मैंने टिकट नहीं लिए क्योंकि इन लोग ने मेरे को बोला कि आप ब्लॉगर हो क्या, मैंने बोला हाँ ब्लॉगर, तो बोला कि ठीक है आपको हम फ्री एंट्री दे देंगे, आप नीचे वगैरह से शूट कर लो, क्योंकि ऐसे भी अभी तैयारियाँ चल रही है, कुछ आगे फंक्शन है, रिलीजियस प्रिपरेशन हो रही है, जिसके कारण कुछ चीज़ें बंद है, तो आप अभी टिकट नहीं भी लो और ऐसे ही घूम लो, हम आपको गाइड कर लेंगे, दो तीन चीज़ें बता देंगे, मतलब ठीक है बढ़िया है, फिर पूरा देखो पैसा देखे, इससे अच्छा आधा फुकट में देखने मिल रहा है क्या एक होता। एनीवेज ये देखो ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर, plan of this construction. Okay. Yeah, this is consists of eight floors. Levels. Yes, okay. Low level, mid level, and a high level. Mm-hmm. Low level. Now we are here. Okay. You can see here opera hall, mm-hmm. biggest center of this biggest hall in our palace. Okay. And then on the second floor, you can see the museum, but now it's closing. Now it's closed. Okay. On the high top, you can see the winter garden, and mm-hmm. at the top, you can see the view of the city. Of the city. Yeah. Correct. Low level, yeah. Okay. Here we have only pictures here. You can see. Okay. Yeah, there are pictures. This is the opera hall. You can enter here with these doors. Yeah. Okay. Opera hall. Okay. Yeah. But it's closed now, right? Yes, closed. Bye bye. Thank you. चलो तो मारिया जी मजा आया आया, अरे वाह क्या बात है। चलो तो हम भी निकलते, आप भी निकलो अपनी जगह पे, हम निकलते अपनी जगह पे। स्पेशल बात है पोमोश, मतलब थैंक यू फॉर हेल्पिंग, बराबर बोला पोमोश, पोमोश स्पेशल जा पोमोश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। हाँ 1280 टेंगे, ओके सही है। वैसे तो यहाँ से मैं बस से भी जा सकता हूँ बैक टू अपने हॉस्टल के एरिया में, लेकिन आप किसी से भी मदद ले सकते हो, या तो फिर आपके पास सिम कार्ड है, इंटरनेट है, तो खुद ही इंडेक्स डाउनलोड करके बुक कर सकते हो, या फिर नहीं है, मैंने सिम कार्ड नहीं लिया कजाकिस्तान में, जितना टाइम चल रहा है चलने दूंगा, अगर अटक गया तो ले लूंगा। एनीवेज वही मैं बता रहा हूँ कि किसी से भी मदद ले सकते हो, जिनको इंग्लिश आती है वो आपके लिए इंडेक्स बुक कर लेंगे। ये मोहतरमा ने मेरे लिए किया है, बस दो मिनट में टैक्सी आ जाएगी, 1280 टेंगे उसका चार्ज है, मतलब आप कह सकते हो 250 रुपये के आसपास, मैक्सिमम 250 रुपये इंडियन करेंसी में। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर मेरी हॉस्टल तक का आ गई, ओके स्पसीबा। ऐसे तो बस का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पे बसेस तो बहुत चीप है, मतलब 100 टेंगे में आपका काम तो हो जाएगा 20-25 रुपया में, लेकिन 1.5 से 2 घंटा लगाएगी, बिकॉज पूरा घुमा के लेके जाएगी, और इससे तो मैं 15-20 मिनट में मैक्सिमम पहुंच जाऊंगा अपने हॉस्टल के एरिया में, जिसकी वजह से हाँ अगर ये भी 500-600 रुपया होता तो जाहिर सी बात है फिर मेरे को ये बस लेना ही अच्छा पड़ता, लेकिन ये सस्ता ही है तो फिर इतना क्यों सोचूं ना मैं भी। हाय 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 हाय, क्या हुआ ए भाई, क्या हुआ, मैंने क्या किया? हाय आई एम फ्रॉम इंडिया, वॉट आई एम क्या, ओ थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो क्यूट, माई नेम इज प्रतीक, मिजीना, मिलाना, दिनिलिया, करीना, दाशा, तू रहन दे तू रहन दे तू रहन दे, ओके आई एम गैंगस्टर, गैंगस्टर इसलिए बोला रहन दे तू, तू रहन दे भाई। कैन यू माय फोन टेक फोटो, योर फोटो इन माय फोन, या योर फोटो, नो आई वांट, अच्छा यू वांट, रिबेट दबाइए हां आई मीन मी, हां अरे आजा शर्मा तक है ये, थैंक यू, यू आर माय फ्रेंड, ओ या या यू आल्सो माय फ्रेंड, खुश हो गई बच्चिया, मुझे मिजीना сказала, ну да, правильно, не приснились. У него галочка, у него 250 подписчиков. О, क्या हो गया? ये बच्चे लोग बड़े प्यारे होते हैं, सच कह रहा हूं, मेरे को मुर्मांस की याद आ गई रशिया में, सॉरी आई एम वेरी हैप्पी, माय डैड वॉच इंडियन फिल्म्स, यू वॉच इंडियन फिल्म्स, व्हिच फिल्म, शानदार हो, शैतान हो तुम लोग, पोनी माई संग्लिश की
नमस्ते 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 नो हिंदू हिंदू जय श्री राम ये मजा आ गया निकिता अरे निकिता नो इज गुड बॉय शाय बट इज अ गुड बॉय अरे तू कहाँ से आया रजार अच्छा मजे करो बाय बाय ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल बाय 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 टेक केयर या श्योर स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड स्टडी वेल ओ व्हाट इज दिस नो 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 थैंक यू सो मच टू मिनट्स ओके नो प्रॉब्लम जिमी आजा आजा बंद कर जा कॉपीराइट आ जाएगा मिथुन चक्रवर्ती साहब आपका क्या कहूँ टेक केयर स्टडी हार्ड ओके डू वेल ओके बाय बाय हाय व्हाट्स योर नेम इंग्लिश की सोसो रूस की हाँ दा रूस की चुचू मी चुचू व्हाट्स योर नेम अलमीरा एंड व्हाट्स योर नेम नरगिस नाइस माय नेम इज प्रतीक प्रतीक या प्रतीक प्रतीक यू फ्रॉम अस्ताना आई एम फ्रॉम इंडिया या शाहरुख खान तो चलो गाइस ये वीडियो को यही मैं अंत करता हूँ आई होप ये वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो और कैसा रहा व्यवहार कजाकिस्तान लोगों का मेरे प्रति आई मीन चाहे वो बच्चे हो या फिर मिड एज वाली मरिया हो या फिर बुजुर्ग हो जो अंकल कल रात को जिन्होंने मेरी मदद की हॉस्टल वालों से लड़े और मेरे को चेक इन करवाया है ना तो इन शॉर्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों का व्यवहार तो ठीक ही था पहले दिन कजाकिस्तान में मेरा अस्ताना में बट अस्ताना में देखा जाए तो इतने कोई अट्रैक्शन वगैरह है नहीं आई मीन बोरिंग सी सिटी है कैपिटल है दैट्स इट थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वगैरह रोड चौड़े दैट्स इट जो आपने देखे ही है अलमाटी में एज कम्पेयर टू अस्ताना ज्यादा अट्रैक्शन है हम वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे लेकिन दो दिन और हम अस्ताना में है तो कुछ और एक्सपीरियंसेस भी जरूर करेंगे थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल